तो गाइज ये देखो क्या प्यारा सा व्यू है मेरे घर के बाहर का। और देखो गाइज इस वीडियो में हम लोग एक टिप्स एंड ट्रिक की बात करेंगे कि हम कैसे फार्मिंग कर सकते हैं जूनीपर वुड की, जूनीपर रेसिन की, और जो हमारा एक और होता है एनिमल हाइड। तो ये तीन चीज़ें होती है जो बहुत ज़रूरी होती है, इंपॉर्टेंट होती है। तो पहले मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ। अभी मेरा घर फ़िलहाल इतना ही बना है 2 हफ्तों के अंदर, और अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है, तो इसका मैं एक टूर बना के वीडियो इसका भी डालूंगा। पर अभी हम लोग देखने वाले इस वीडियो में कि कैसे हम ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर सकते हैं। देख लो मेरे पास अभी यहाँ पे 48 हाई ग्रेड एनिमल हाइड है। 48 भाई कैसे मिला? बस 1 घंटे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत किया था, मुझे मिल गया। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे वुड वगैरह भी मिला, जूनीपर वुड 24। उसके बाद रेसिन देखो मेरे पास कितने हैं, 60 रेसिन भरे पड़े हैं भाई। तो ये सब कैसे मिला, सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को स्किप मत करना, स्किप करोगे तो बहुत कुछ भूल जाओगे। तो अभी आपको जाना पड़ेगा एक जगह पे, तो जगह पे जाने के लिए आपको एक फास्ट ट्रैवल करना पड़ेगा। तो मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो अभी आपको जाना है, नीचे करना है, स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पे देखो कॉलर माइंस का नाम के एक जगह है, कॉलर माइंस, और इसके अंदर भी मुझे जाना है एक पार्टिकुलर जगह पे, ठीक है। तो मैं आपको लोकेशन दिखाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि लोकेशन एक स्पेशल जगह है जहाँ पे भर भर के सारी चीज़ें हमें मिल जाएंगी। और देखो कोलर माइन ऐसी जगह है ना जो थोड़ा सा ख़तरनाक, वहाँ पे जॉम्बी भी होते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी चेटियाँ भी होती हैं जो हमें बहुत गंदा मारती हैं, और वहाँ तो ये जो हमारे इलाइट मॉन्स्टर होते हैं वो सड़क पे घूमते रहते हैं, और भाई 50 लेवल के होते हैं तो उनका डैमेज वैमेज भी बहुत ख़तरनाक होता है। इसलिए देखो पहले आपको आना है इस जगह पे, इसका नाम में मैप में आप देख सकते हो, हाईवे 69 रोड हाउस। ओके, तो यहाँ पे आना कैसे है आपको, या तो फास्ट ट्रैवल कर सकते हो, फास्ट ट्रैवल तब कर सकते हो जब ये अनलॉक हो। तो आप पहले सबसे पहले ये देखो कि सबसे पास की जगह कौन सी है कोलर माइन की, ठीक है। कोलर माइन के सबसे पास की जगह आपकी जो भी हो वहाँ पे पहले फास्ट ट्रैवल करो, गाड़ी ढूंढो, गाड़ी लेकर पूरा कोलर माइन घूम डालो, और यहाँ तो ज़रूर आना हाईवे 69 रोड हाउस पे। यहाँ पे आ जाओगे तो आपका काम वैसे भी हो जाएगा। तो मैं एक दिन बैठ के पूरा घूम रहा था, तो यहाँ पे अनलॉक करने के बाद आपको आना है यहाँ पे। उसके बाद देखो ये जो रोड दिख रही है इधर सीधा आपको जाना है, तो मैं आपको गाड़ी लेके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे करना है सब कुछ। तो यहाँ पे क्या होता है ना, पेड़ बहुत कम होते हैं, पेड़ ढूंढना मुश्किल होता है, कभी पेड़ मिलते भी हैं तो बहुत कम मिलते हैं, फिर उसके बाद हमें ट्रैवल करना रहता है। तो अभी देखो 1 मिनट भाई गाड़ी फंस गई, मेरी गलती नहीं है, गाड़ी आ गई बीच में। तो यहाँ पे मुझे सीधर जाना है मुड़ के, अभी मैं आपको लोकेशन दिखा देता हूँ, मैं अभी अच्छे से समझाता हूँ, पहले मैं पहुँच जाऊँ। देखो यहाँ पे चींटियाँ हैं जो इधर उधर तबाही मचा रही है, तो आपको भी गाड़ी लेकर आना है, पैदल आओगे तो वो चींटियाँ आपको ऐसा पकड़ेंगी या दौड़ाती रहेंगी। और उसके बाद आपको ये चीज़ कर थोड़ा थोड़ा सा आगे जाना है जब तक कि आपको ये तिराहा ना दिख जाए, ठीक है। तो अभी मैं दिखाता हूँ मैं कहाँ हूँ मैप में। आप देखो ये जो वाई वाला शेप का है ना, और ये जो सामने एक लाइट जल रही है, यहाँ पे आओगे इस लोकेशन पे, यहाँ पे बड़े वाले जॉम्बीज भी हैं, खतरा है इधर। तो ये रहा हमारा स्पेशल जगह जहाँ पे हमें सब कुछ मिलने वाला है, बढ़िया बढ़िया। देख रहे हो यहाँ पेड़ ही पेड़ है। और अभी मस्त बात बताता हूँ, अभी रुको जरा सब्र करो। तो यहाँ पे देखो पहले मुझे यहाँ पे मिल गया वो जो हाई ग्रेड लेदर था। यहाँ पे देखो एक और हमें एनिमल मिला, एक और हमारा यहाँ पे एक एनिमल मिला हाई ग्रेड एनिमल। तो यहाँ पे जो ये एनिमल है ना ये कभी ख़त्म नहीं होते, यहाँ पे जो पेड़ हैं ये भी कभी ख़त्म नहीं होते, यहाँ पे इनफाइनाइट है, आप जब तक चाहो तब तक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका आता रहेगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। तो पहले तो आपको यहाँ पे पेड़ काटना है, तो मैं अभी यहाँ पे पेड़ काटता हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत सारे पेड़ काट चुका हूँ, और देखो अभी ये इलाका जो है पूरा खाली है। अब देखना अभी आपको एक जादू दिखेगा, जो ये पेड़ होते हैं ना ये रीस्पॉन होते हैं, ये रीस्पॉन होते हैं, मतलब जो जानवर होते हैं, जो पेड़ होते हैं रीस्पॉन होते हैं। और ये एक ऐसी जगह ना, एक फील्ड है, एक डेजर्ट में फील्ड, जहाँ पे आपको कोई ख़तरा नहीं है, कोई जॉम्बी नहीं मिलेगा, कोई चींटियाँ नहीं मिलेंगी, आप शांति से यहाँ जब तक चाहो तब तक पेड़ काटते रहो। देखो एक पेड़ दूसरे, अभी जस्ट सामने आपके एक पेड़ आया, तो ऐसे ही कर करके यहाँ पेड़ स्पॉन होते रहते भाई। सारे पेड़ काटो तब तक, जब तक पेड़ गायब हो जाए तब तक आप जानवरों को मारो, जानवर ख़त्म हो जाए फिर से पेड़ काटो। और यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे देखो जानवर भी आ गए। तो यही फ़ायदा है इस जगह का कि यहाँ पे जो जानवर है, जो पेड़ है, कभी ख़त्म नहीं होते, मतलब ख़त्म तो कहीं भी नहीं होते, रिस्पॉन हर जगह होते हैं, पर यहाँ आप एकदम फार्मिंग कर सकते हो। अभी मैं आपको लोकेशन भी दिखा देता हूँ।
तो गाइज ये रहा हमारा लोकेशन, स्क्रीनशॉट ले लो, यहीं पे आपको आना है, ये जगह पे आओगे आप सबको समझ जाओगे। और यहाँ पे देखो एक भी ज़ॉम्बी आपको जल्दी नहीं दिखेगा, दिखेगा भी तो आपको किनारे किनारे दिखेगा। तो अभी मैं आपको और भी चीज़ें यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ फ़ायदा क्या क्या होता है। आप यहाँ पे 1 घंटे ऐसे ही पेड़ काटो, जानवर मारो, आपके एक एक स्टैक जो होते हैं चीज़ों, मतलब लेदर के और जो हमारा वो जो वुड होता है, रेजिन होता है, उन दोनों के एक एक स्टैक आपके पक्का बन जाएंगे। और इसको आप ट्रेडिंग पोस्ट पे बेच भी सकते हो, इसका अच्छा खासा प्राइस मिलता है, वहाँ पे गोल्ड इकट्ठे होते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा होता है। पर बेचने से अच्छा आप इसको कलेक्शन बना के रखे रहो, क्योंकि इसका इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज होता है हमारे गन्स वगैरह बनाने में, ड्रोन्स वगैरह बनाने में, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है भाई। मैं तो अभी करते करते ही परेशान हो गया, मुझे अच्छा ये जगह मिल गया, मैं कम से कम 1 घंटे मुझे ढूंढने में लग गए थे। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फॉक्स भी होते हैं, और यहाँ पे सुअर भी होते हैं, पिग भी होते हैं, वो जो भी कहते हैं उनको, मतलब बहुत तरह के जानवर भी होते हैं। यहाँ पे आपको वो पौधे भी मिल जाते हैं जिसे फ्लैक्स कहते हैं, ये देखो ये ऐसे घासों में छिपे रहते हैं। मैप आपको अगर देखना आएगा तो आप आराम से सब कर लोगे। मैप में ग्रीन वाले जो होते हैं वो सारे पेड़ों को दिखाते हैं, पेड़ मतलब छोटे वाले प्लांट्स वगैरह, और जो फ्रूट बना है मतलब उसका मतलब है सब्जी वब्जी फूल मतलब फ्रूट रूट। फिर उसके बाद जो हमारी पिंक पिंक करके आते हैं ये होते हैं जानवर, और जो हमारे ब्लैक ब्लैक कलर के आते हैं स्क्वायर शेप में वो होते हैं हमारे पत्थर। तो यही 4 चीज़ होते हैं, मैं आपको आपको पता ही होगा ऑब्वियसली, मैं भी क्या बता रहा हूँ। और देखो यहाँ पे ऐसे ही पूरा मैं आराम से खुलेआम किए जा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है या कोई भी अटैक वटैक करने के लिए, बस ये थोड़े से ज़ॉम्बी होते हैं, थोड़ा प्रिपेयर करके जाना भाई। और खाने भी भाई देखो, पेड़ वेड़ काटते समय ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर जाना, एकदम भर के जाना, भूख आपको बहुत तगड़ी लगेगी। फिर उसके बाद गन वन में एमओ एमओ भी ले लेना और जाओ मज़े करो। फिर उसके बाद वापस आना हो तो फास्ट ट्रेवल करके आप अपने घर पे वापस आ सकते हो। तो यहाँ देखो मुझे फ्लैक्स भी मिल रहा है, मुझे यहाँ पे सब कुछ मिल रहा है, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस फील्ड में ही घूमते घूमते सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मुझे हंसी आ रही है अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो, मैं इतनी आराम आराम से वीडियो बना रहा हूँ। और थैंक भाई इतना देखने के लिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना जिनको ये सब चीज़ें नहीं पता, बहुत सारी वीडियोस बनाता हुआ रहता हूँ तो उनको भी देखते रहना, जो चीज़ें मुझे लगती है बनाने लायक। तो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, जो कि नहीं लगी मुझे पता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।